हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कौशल सारन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट है या फिर जो नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है कि नेट JRF में जो स्कॉलरशिप पहले मिलती थी फॉर रिसर्च पर्पस, उसमें अभी इंक्रीमेंट लगने वाला है। तो DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ट्वीट आया है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एनहेंसिंग एम्यूलुमेंट्स फॉर JRF, SRF, RAS इंगेज इन R&D एक्टिविटीज़ वेयर बाई दे विल रिसीव फॉलोइंग फेलोशिप्स। और ये जो इंक्रीमेंट है वो 1/1/2023 से लागू हो जाएगा। अब जो JRF में स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि मतलब मोस्टली 5 साल की PhD अगर होती है तो उसके अंदर फर्स्ट 2 ईयर्स जो स्कॉलरशिप मिलती है वो JRF के अंदर मिलती है, वो अभी 37,000 मिलेगी। और उसके बाद ये मिलेगी फर्स्ट 2 ईयर्स, और बाद के 3 ईयर्स के लिए वो SRF के थ्रू 42,000 मिलेगी। इसके साथ ही इसके अंदर हाउसिंग वगैरह का भी, HRA वगैरह जुड़ के, जो ये HRA है वो सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, कौन सी सिटी में रह रहे हो, एरिया पे डिपेंड करता है। तो ऑन एंड एवरेज 8,000 अगर मान के चलें तो ये 45,000 एग्रीगेट मिलेगा, और जो SRF है वो HRA मिला करके अराउंड 50,000 मिलेगा। और जो रिसर्च एसोसिएट है फर्स्ट कैटेगरी वाले, उनको 58,000 प्लस HRA, और सेकंड कैटेगरी वालों को 61,000 प्लस HRA प्लस HRA। तो इस तरीके से अगर देखें तो 66,000 इनके, 69,000 और 71,000, इस तरीके से ये फेलोशिप्स मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है, एक अच्छी खासी से जो जॉब की जितनी सैलरी है, तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि रिसर्च फेलोशिप को इंक्रीमेंट किया गया है। अगर पहले देखें तो पहले वाला इंक्रीमेंट लगा था, उससे पहले थी 25,000 जो कि बढ़ा के 31,000 की गई थी। ये अराउंड 2019 में की गई थी शायद, हाँ, जो 25 से 31 JRF की और SRF की 28 से 35,000, यानी कि अराउंड 6,000 बढ़ाया था JRF की स्कॉलरशिप को, और ये 7,000 बढ़ाया था SRF की। तो होप कि जो स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो इट्स ए वेरी गुड मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा, ट्विटर पे इसका अनाउंसमेंट हुआ है फ़िलहाल तो, और इसको फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह ने अप्रूव भी कर दिया है। तो आई होप It will help you guys. All the best.